तो गाइस देखो, आज कुछ ज्यादा ही बड़ा पैकेज आया है। मतलब इतना बड़ा पैकेज आया है कि हमारे इधर रखने की जगह नहीं है। एक्चुअली हुआ ऐसा कि मैंने अभी रिसेंटली एक 65 इंच की टीवी ली है। टीवी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यार साउंड में मजा नहीं आ रहा था। और उसी टाइम पे हमारी नजर पड़ी ये 180 वॉट के जबरदस्त मीवी के साउंड बार के ऊपर। तो हमने बोला भाई जबरदस्त है, मैं मीवी को मैंने बोला भाई भेज दो। तो मीवी ने भेज दिया भाई, हमारे पास आ चुका है बहुत ही नेक्स्ट लेवल साउंड बार। सारी चीजें जानने वाले हैं स्टूडियो में। ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसा है, सब कुछ बताता हूं स्टूडियो में। सही एंड दिस इज द मीवी 180 साउंड बार। साउ लेट्स बिगिन। कुछ ज्यादा ही बड़ा पैकेज है। सबसे पहले तो हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं। ये आई गेस इसका सब वूफर है भाई, ये तो काफी बड़ा है। सो ये है हमारा मेन सब वूफर यूनिट, देखो काफी जबरदस्त, काफी बड़ा। फिर हमारा ये है मेन साउंड बार। भाई साहब ये तो काफी तगड़ा है भाई। तो यहाँ पर मीवी की ब्रांडिंग है, क्या जबरदस्त लुक दे रहा है भाई। ये तो पूरा जो पोर्शन है आप लोग देख रहे हैं यहाँ का, ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक है। एंड यहाँ पर लटकाने के लिए आपको दिया हुआ, सिर्फ स्क्रू लगा के डायरेक्टली इसको वॉल पे लटका सकते हो। यहाँ पे भी दिया हुआ, यहाँ पे भी दिया हुआ। इधर पे आपको इसके पूरे आईओ पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कोएक्सियल पोर्ट है एक, उसके बाद यूएसबी है, एचडीएमआई है, ऑक्स पोर्ट है, सब वूफर आउटपुट है बेसिकली। एंड यहाँ पर एक डीसी 24 वोल्ट अडेप्टर लगेगा। तो ये है वो मेन अडेप्टर गाइस। एक ऑक्स केबल देखने को मिल जाती है, काफी बड़ी साइज की है ये भी। एंड उसके बाद में हमको एक रिमोट भी मिलता है, वेरी नाइस। साथ में यहाँ पर आपको पेपर वर्क देखने को मिलता है, ये एक साल का वारंटी कार्ड, एंड ये बैटरी मिल जाती है आपको। नाउ लेट्स कनेक्ट इट एंड लेट्स सी द साउंड क्वालिटी कैसा है। इसका भी केबल काफी बड़ा है, तो मतलब आप लोग अच्छा खासा लाइक डिस्टेंस पे भी जो साउंड बार है ना उसको रख सकते हो, कहीं पे भी सेट कर सकते हो, मतलब छोटा नहीं है। हालांकि ये रिमूवेबल नहीं है यहाँ पे, इधर पे ये रिमूवेबल होता तो ज्यादा बेटर होता, बट ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। काफी बड़ा साइज का तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं यहाँ पर। ये आपका मेन अडेप्टर कुछ इस तरह से लग जाएगा। वी आर रेडी टू गो, पावर ऑन। तो यहाँ पे देखो मीवी 4S180 लिख के आ गया गाइस। इसको स्टैप करना है, कनेक्ट हो गया। लेट्स प्ले सम म्यूजिक, बजाया जाए। भाई नेक्स्ट लेवल साउंड है इसका तो, अब बेस वेस तो क्या निकल के आ रहा है। एक काम करते हैं एनसीएस बजाते हैं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल साउंड है, बहुत जबरदस्त। सो गाइस अभी थोड़ा सा इसको हम सेटअप करते हैं, अच्छे से टेस्ट करते हैं, फिर आपके सामने लेके आते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पर सब कुछ सेट कर दिया है। अब देखो यहाँ पर मेरी पुरानी वाली टीवी लगी है, जो मेरी नई वाली टीवी वो अभी भी ऐसा बॉक्स पैक पड़ी हुई है। तो पुरानी वाली टीवी में थोड़ा वायर दिख रहा है क्योंकि ये थोड़ी छोटी है, तो उसको इग्नोर करो। लेकिन यहाँ पर हमने स्पीकर को कुछ सेट कर दिया। देखो जो सब वूफर होता है ना उसको हमेशा जमीन पे रखना चाहिए, जमीन पे रखने से बहुत तगड़ा बेस प्रोड्यूस होता है। एंड कुछ इस तरह से अपने टीवी स्टैंड के ऊपर आप रख दो। अब उसके बाद में भाई करना क्या है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था आयो कनेक्ट करना है, जो HDMI से मैंने टीवी से कनेक्ट कर लिया क्योंकि डिजिटल ऑडियो सबसे बढ़िया होता है। और ये वाला जो HDMI है वो टीवी में आपको लगाना है। कौन से वाले पोर्ट में पता है? देखो यहाँ पे मैंने टीवी में लगा रखा है पीछे, तो ये फर्स्ट वाला HDMI पोर्ट जो है उसी में चलता है, ये ऑडियो रिटर्न चैनल वाला जिसके ऊपर आर्क लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ये सब वूफर एंड पावर केबल मैंने लगा दिया है। एंड लुक भी बहुत बढ़िया है, देखो पूरा ब्लैक कलर है यहाँ पर, ये जो पूरा ये वाला पोर्शन है पूरा ब्लैक में ग्लॉस ब्लैक है, इट लुक्स वेरी नाइस एंड थोड़ा मॉडर्न भी दिखता है, जबरदस्त दिखता है। जो मीवी का लोगो है परफेक्टली बीच में प्लेस्ड है, इधर आपको ग्रीन लाइट देखने को मिल जाती है, बहुत ही बेहतरीन लुक देता है। एंड इस तरफ में आपको कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं इसके ऊपर। ये बटन क्या है, ये पावर बटन है ठीक है, प्लस माइनस मोड सिलेक्शन, ब्लूटूथ में चले गया, ऑक्स में चले गया, कोएक्सियल, HDMI, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो सब कुछ। बाकी मैंने यहाँ पर टीवी के ऊपर NCS चला लिया है, लेट मी शो यू कि भाई क्वालिटी कैसी आती है यहाँ पर। अभी ये टीवी में बज रहा है, इट इज वेरी वेरी लाउड गाइस। एंड बेस सुनो, बेस बहुत ही नेक्स्ट लेवल बेस आता है इसमें। ओह
ओके गाइस, आपने सुना बहुत ही तगड़ा है बेस वगैरह। यहाँ पर मैं आपको रिमोट के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। म्यूट करने का, इनपुट, पैर, ये मोड्स है, बाकी म्यूजिक मोड, न्यूज मोड एंड मूवी मोड। यहाँ पर आपको बेस एंड ट्रेबल कम ज्यादा करने का ऑप्शन है। मेरे को यहाँ पर जो तीन मोड है, म्यूजिक, न्यूज एंड ये मूवी, इसमें से सबसे बेस्ट जो है मेरे को मूवी मोड लगता है। तो मूवी मोड में क्या होता है ना, जैसे आई एम द पर्सन, मेरे को थोड़ा सा बैलेंस साउंड सिग्नेचर पसंद है ना, तो वहां पर होता यह है, ये जो मेन स्पीकर्स है इसके अंदर दो चैनल्स है बेसिकली, एंड ये एक एक्स्ट्रा, तो 2.1 ऐसे बन जाता है ये, तो इनकी आवाज बहुत क्लियर हो जाती है। तो जो वोकल्स है वो बहुत क्लियरली प्रोड्यूस होते हैं। तो भाई जब आप गाना वगैरह जैसे सुन रहे हो, तो ये गाने की आवाज में देखो वोकल्स कितना क्लियर है। तो आपने सुना, जब एकदम हाईएस्ट वॉल्यूम करो तो भाई बहुत ही ज्यादा लाउड हो जाता है, बट एकदम हाईएस्ट वॉल्यूम है, मेरे को हल्का सा यहाँ पे डिस्टॉर्शन देखने को मिला, बट वो एकदम हाईएस्ट वॉल्यूम है जो अनबेरेबल है भाई, बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है, तो उतने पे रख के मतलब भी नहीं है। जो नॉर्मल वॉल्यूम रहता है उस पर बढ़िया चलता है। और साथ में बेस भी एकदम तगड़ा निकल के आता है, तो जो बेस है ना वो वोकल्स को मड़ी नहीं करता है, वो चीज एक बहुत तगड़ी एडवांटेज दे देती है भाई ये मूवी मोड में। तो जब मैंने इसके अंदर भाई मूवीज वगैरह देखने का ट्राई किया, भाई आई एम ब्लोन अवे बाय द परफॉर्मेंस, बाय द साउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इतना ज्यादा लाउड है ना कि अगर 200-250 स्क्वायर फीट का आपका कमरा है तो भाई वो तो एकदम पार्टी वाला माहौल बना देता है, बहुत ही ज्यादा लाउड है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, खाली लाउडनेस ही सब कुछ नहीं होती, उसमें क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जो स्टीरियो का सेपरेशन है वो अच्छा होना चाहिए, वो भी यहाँ पर बढ़िया है। जो म्यूजिक में सेपरेशन फील होता है कि भाई ड्रम अलग बज रहा है, वोकल अलग से आ रहा है, तो वो सारा सेपरेशन भी आपको यहाँ पर फील होता है, वो चीज बहुत बढ़िया है। तीसरा जो चीज है, बेस सुना नहीं जाता, बेस फील किया जाता है, और वो बेस यहाँ पर आपको फील होता है भाई। लेकिन कुछ कुछ होता है कि भाई बहुत ज्यादा हिला डालने वाला बेस होता है, बट वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता है आप लोग को, ये प्लेजेंट बेस के साथ में आता है। सारी बेस की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से काम करती है, मतलब जो प्राइस में ये आ रहा है, पहले तो मैंने मतलब बिना देखे डायरेक्टली इसका साउंड क्वालिटी सुना, एंड जब मैंने सुना तो आई वॉज लाइक भाई क्या नेक्स्ट लेवल साउंड है। मैंने अंदाजा लगाया लगभग 15,000 के आसपास के ये स्पीकर्स होंगे, बट जब मैंने प्राइस देखा कि 4,500 रुपए का, भाई मेरा दिमाग ही फट गया। मतलब भाई साहब इतना सस्ते में ये इतना नेक्स्ट लेवल साउंड क्वालिटी कैसे दे पा रहे भाई। स्पेशली जो बेस है, जो वोकल है, बहुत मजा आता। जब मतलब मेरा जो मेन टीवी है उसके अंदर ऑलरेडी एक ये है, क्या बोलते हैं, साउंड बार है यहाँ पर, और वो साउंड बार मतलब मेरे को लगता था भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट जब मैंने इस पर अपग्रेड किया भाई, मतलब जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जैसे मैंने, मेरे दिमाग में ये इमेज थी कि भाई अच्छा क्वालिटी का साउंड बार खरीदने के लिए कम से कम 15,000-20,000 खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन भाई जब मेरे को 4,000 रुपए में ये लेवल का साउंड क्वालिटी मिल रहा ना, तो आई एम वेरी सैटिस्फाइड। मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया भाई, सुपर साउंड क्वालिटी। बाकी इसको ब्लूटूथ से भी पेयर कर सकते हो, ब्लूटूथ की लेटेंसी वगैरह भी मैंने काफी कम नोटिस करी, जो काफी बढ़िया। तो अगर आप लोग टीवी से डायरेक्टली ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो लेटेंसी कम मिलेगी, बट मेरे हिसाब से HDMI केबल इज द बेस्ट वन, नहीं तो SPDIF जो वाला पोर्ट आता है ना, वो coaxial पोर्ट जो आता है, वो भी डिजिटल है, तो उससे भी आप कनेक्ट करोगे तो हाईएस्ट क्वालिटी मिलेगी। अगर आपके पास HDMI केबल है भाई, चुपचाप ERC वाला जो पोर्ट है उससे कनेक्ट कर लो, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी मिलेगी, मजा आ जाएगा आप लोग को। और मेरे हिसाब से भाई बहुत ही जबरदस्त एक साउंड बार है इस प्राइस रेंज में। और एक चीज तो बहुत बढ़िया है इसके अंदर कि भाई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त चीज लगी मेरे को। दूसरी चीज, जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा आइकॉनिक है, जैसे आप लोग देखो जो ये सब वूफर है इसका भी डिजाइन बहुत ही बढ़िया है, तो मेरे को काफी मस्त लगा भाई ये चीज भी। उसके बाद टोटल 180 वॉट का आउटपुट देखने को मिल जाता है भाई, बहुत ही ज्यादा क्रेजी, बहुत ही जबरदस्त पावरफुल साउंड इसके अंदर निकल के आता है भाई। आपको जो साउंड का डेप्थ है वो पूरा फील होता है, प्योर बोलते हैं ना, प्योर ऑडियो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर फील होता है। एंड 2.1 सराउंड होने की वजह से भाई आपको प्रॉपर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आता है, एक्स्ट्रा सब वूफर होने की वजह से। मतलब दो बिल्ट इन स्पीकर्स तो बहुत तगड़े हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सब वूफर होने की वजह से जो उम्फ होता है ना मूवी का, अगर आप मूवी देख रहे हो भाई मजा आ, स्पेशली कोई एक्शन मूवी अगर आप इस पे देखोगे। रिमोट में मैंने बताया भाई म्यूजिक है, मूवी है, स्पोर्ट्स है, न्यूज मोड है, तो ये चार एक्स्ट्रा EQ मोड देखने को मिलता है, आप लोग रिमोट से डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। बाय द वे इसके अंदर जो ब्लूटूथ है वो 5.1 है, एंड इसकी जो क्वालिटी है ब्लूटूथ की वो भी बढ़िया थी, चलती है, तो कोई दिक्कत मेरे को देखने को नहीं मिली यहाँ पर ब्लूटूथ के अंदर। 10 मीटर का वायरलेस रेंज है, तो आप फोन ओन से भी कनेक्ट करके आप लोग इजिली इसको बजा सकते हो, एकदम अच्छी क्वालिटी का साउंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा फोन से भी कनेक्ट करोगे तो। एक चीज मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर रिमोट के अंदर आप देखोगे जैसे, तो एक 3D साउंड करके ऑप्शन आता है, जब इसको मैं बजाता हूँ ना 3D में, तो पूरा जो साउंड है वो सराउंड साउंड का ऑप्शन मेरे को देखने को मिल जाता है। तो देखो ये नॉर्मल साउंड है, एंड मैं अभी 3D साउंड ऑन करता हूँ, तो ये 3D साउंड हो गया, थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन अब आवाज जो है पूरा 3D में आती है, तो ऐसा फील होता है कि आजू बाजू से भी आवाज आ रही है।
तो अगर आपने 5.1 सराउंड वाले स्पीकर सुने होंगे तो पीछे के जो साइड में स्पीकर्स होते हैं वो लेवल तो नहीं मिलने वाला भाई, लेकिन इसके अंदर आता भी है, 5.1 वाला भी आता है, तो अगर वो लोगे तो आपको वो नेक्स्ट लेवल 3D साउंड मिलता है, लेकिन इसमें भी डिसेंट इनफ 3D साउंड आ जाता है, तो आपको मजा आएगा, ओवरऑल बहुत एंजॉय करोगे। आपका अगर बजट कम है, अच्छा नेक्स्ट लेवल आपको साउंड बार चाहिए जिसमें बेस भी तगड़ा हो, सारी चीजें तगड़ी हो, तो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। बाकी इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करता हूं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।